भूमि पूजन से हुआ अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव ऋषिकेश का शंखनाद। परमार्थ आश्रम में गंगा तट पर पूज्य चिदानंद स्वामी महाराज ने ध्वज पताका फहराए। बेबी रानी मौर्य व विजय लक्ष्मी दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में गंगा आरती व रामलीला का पोस्टर लॉन्च हुआ। एस्टरिस्क पम गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का दूसरा विशेष आयोजन। एस्टरिस्क ऋषिकेश आगामी 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हिमालय के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में पतित पावनी मौ गंगा के तट पर होने वाली ऐतिहासिक रामलीला के सफल सुमंगल आयोजन के लिए आज पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के आशीर्वाद और श्री राम जन्म तीर्थ न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के सान्निध्य में वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच विघ्नहर्ता गणपति महाराज के आह्वान और गंगा पूजन के साथ भूमि पूजन समारोह हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन पम गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम दिल्ली के प्रभारी श्री संजय राणा ने भूमि पूजन कर सफल कार्यक्रम हेतु देवताओं का आवाहन किया। सभी महानुभावों की विशेष उपस्थिति में सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने कहा कि 10 दिनों तक चलने वाली लीला में 5 राज्यों के गुरुकुलों के छात्र छात्राओं द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। श्री अजय भाई की विशिष्ट कथा शैली में यह मंचन होगा, जिसकी तैयारियां दिल्ली में जोर शोर से चल रही हैं। भूमि पूजन समारोह में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य व श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने उपस्थित रहकर गंगा आरती में भाग लिया। डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने अतिथियों को गदा व स्मृति चिन्ह भेंट किया। डॉक्टर राकेश मिश्र ने 10 दिनों का कार्यक्रम कैलेंडर जारी करते हुए सबको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर अनिल गुप्ता पर्यावरणविद की विशेष उपस्थिति रही। आधुनिक सैटेलाइट चैनल व टीवी पर होगा सीधा प्रसारण। एस्टरिस्क ज्ञातव्य है कि श्री अजय भाई की विशेष शैली में होने वाली इस श्रीराम लीला कथा स्वरूप में 5 राज्यों के गुरुकुल और स्कूली छात्रों के मंचन का प्रसिद्ध धार्मिक टीवी चैनल साधना तथा कुछ अन्य चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। खबर जगत के लिए उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।